वेलकम बच्चों, बिना पानी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद साहू, विज्ञान शिक्षक, हाई स्कूल बड़ा कदल, राजनगर। आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि संख्या नंबर्स ये क्या चीज़ है या संख्या किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे हमारे मन की भाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, और भाषा के लिए कुछ लिपियां होती है जो भाषा के लिए संकेत का काम करता है, सांकेतिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार किसी भी संख्या को, गिनती को व्यक्त करने के लिए हम लोग संख्या का प्रयोग करते हैं, जिसको संख्या कहा जाता है, संख्या का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि संख्या और अंक, कोई भी संख्या अंकों के द्वारा बना होता है, और हमारे पास कुल 9 अंक है। अंक जो है जिसको कहा जाता है डिजिट, ये हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 अंक हमारे पास है, 10 अंक हमारे पास है। और इस 10 अंक को लेकर के हम जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वह हजार हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, ये 10 अंकों के द्वारा किसी भी संख्या का निर्माण होता है। हम लोग यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक जो अंक है इसको संख्या भी कह सकते हैं, और इससे आगे जैसे 10, 11, 12, 13 लेकर के हजार, लाख, करोड़ तक, ये सभी संख्या है और ये अंक है। तो ये हो गया संख्या और अंक। अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स, या जिसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक का अर्थ क्या होता है, जिसका कुछ अस्तित्व हो, जो रियल में हो। और ये वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या बहुत सारे संख्याओं का एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बहुत बड़ा समूह है। आज वास्तविक संख्या को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इन संख्याओं के बारे में, इन संख्याओं के समूह के बारे में पढ़ लेंगे, और इन संख्याओं को बहुत अच्छा तरीका से हम लोग नंबर लाइन से जान सकते हैं। जैसे नंबर लाइन क्या चीज़ होता है, नंबर लाइन एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जिसमें हम लोग सभी संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं, सभी संख्याओं को हम लोग उसमें निरूपित कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है नंबर नंबर लाइन। जितनी भी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, अब इन सभी संख्याओं को हम लोग इस नंबर पर व्यक्त कर सकते हैं, या इस नंबर पर उसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस नंबर लाइन पर हम लोग कौन कौन सी संख्याओं को दिखा सकते हैं और कैसे दिखा सकते हैं, और इस वास्तविक संख्याओं में के परिवार में कौन कौन सी संख्याएं आते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आता है आपका प्राकृत संख्या, इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। जैसे जब भी आप लोग किसी भी चीज का गिनती करते हैं तो आप लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये आपका लाख तक भी जा सकता है, हजार तक जा सकता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याओं को
प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर जो है, गिनने के लिए जिन संख्याओं को हम लोग प्रयोग करते हैं उसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद इस नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर हम लोग और एक संख्या और या एक अंक को हम लोग जोड़ देंगे, यानी जीरो को अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये जो आपका जीरो से शुरू होता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इस प्रकार से ये सभी जो है होल नंबर्स या पूर्ण संख्या। अब इसके बारे बाद हम लोग अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम लोगों को जीरो से आगे कुछ ऐसी संख्याएं मिलेगी जो नेगेटिव संख्याएं हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं, जिसके आगे हम लोग माइनस का सिंबल यूज करते हैं। जैसे जीरो के आगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन। तो ये सभी संख्याएं, जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, जितनी भी नेगेटिव संख्याएं हैं और जीरो, ये सभी संख्याओं को मिल करके जो संख्याओं का समूह बनता है या जो संख्याओं का समुच्चय बनता है, सेट बनता है, उसको कहा जाता है पूर्णांक या इंटीजर्स। पूर्णांक या इंटीजर्स, यानी पूर्णांक या इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव संख्या है, एक से लेकर के अनंत तक, इधर अनंत तक जाएगा, और माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, पाँच लेकर के इधर भी अनंत तक जाएगा, तो ये सभी संख्याओं का जो समूह होगा इसको कहा जाता है पूर्णांक। अब इसके बाद कुछ संख्याएं ऐसे होती है जो कि पूर्ण नहीं होता है, वो एक संख्याओं का एक अंश होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक बिस्किट का हम लोग उसको दो भाग कर देंगे, तो हम बोलेंगे बिस्कुट का दो भाग का एक भाग को आप कैसे दिखाइएगा, तो उसमें आप लोग लिखिएगा कि एक बटा दो। एक पूरा बिस्कुट का, ये बिस्किट है, इसका हम लोग दो भाग करके इसका एक भाग को दिखाने के लिए अगर हम लोग बोलेंगे, इसको आप कैसे निरूपित कर सकते हैं, तो इसको आप दिखाइएगा एक बटा दो। उसी प्रकार मान लीजिए कि तीन बटा चार, पाँच बटा छः, दो बटा तीन, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, एक संख्याओं का कुछ अंश है या टुकड़ा है। और वो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए जीरो और एक के बीच में यहाँ पर बीचों बीच वाला जो भाग होगा, इसको हम लोग एक बटा दो के रूप में दिखा सकते हैं। एक और दो के बीच में जो है ये हम लोग लिख सकते हैं तीन बटा दो के रूप में लिख सकते हैं। दो और तीन के बीच में जो है इसको हम लोग पाँच बटा दो के रूप में दिखा सकते हैं। जीरो और वन के बीच में जो है इसको हम लोग लिखा सकते हैं माइनस एक बटा दो। तो ये जो सभी संख्याएं हैं जो एक पूर्ण संख्या नहीं है बल्कि एक पूर्ण संख्या का ही एक भाग है, उसको कहा जाता है भिन्न संख्या या फ्रैक्शंस, इसको कहा जाता है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, या इसको कहा जाता है फ्रैक्शंस। ये सारी संख्याएं हैं, एक बटा दो, पाँच बटा दो, पाँच बटा तीन, सात बटा तीन, पाँच बटा छः, इस प्रकार के ये जितने भी सारी संख्याएं हैं इसको हम लोग भिन्न संख्या या फ्रैक्शंस कहते हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं हो करके एक संख्या का ही कुछ अंश होता है, एक संख्या का भी कुछ पार्ट होता है, इसको हम लोग भिन्न संख्या या हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब भिन्न संख्या में ही और एक प्रकार का संख्या आता है जिसको कहा जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
क्या होता है? परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। यानी परिमेय संख्या जितने भी है, परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां पर क्यू जीरो नहीं होगा, ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का जो दूसरी परिभाषा है, ऐसी संख्या या ऐसी दशमलव जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं होती है। तो ये जितने भी संख्याएं हैं, भिन्न संख्या, ये सभी परिमेय संख्या है। और जितने भी हमारे पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या है, ये सभी भी परिमेय संख्या है। यानी जितने भी पूर्ण पूर्णांक है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या है, और जितने भी फ्रैक्शंस है यानी भिन्न संख्या है, ये सभी को मिला करके एक संख्याओं का परिवार बनता है, एक संख्याओं का सेट बनता है, जिसको एक साथ कहा जाता है परिमेय संख्या। यानी अगर हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स का जो मेन पार्ट है, रियल नंबर, ये इसका दो मुख्य भाग होता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत या परिमेय संख्याओं के सेट में ये सारा चीज आ जाता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न संख्या, ये सभी को मिला करके हम लोग बना लेते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स। और इसके बाद और एक प्रकार की संख्या है, जैसे रियल नंबर्स का दूसरा भाग जिसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को भी हम लोग नंबर लाइन में निरूपित कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग रूट टू का दशमलव निरूपण करेंगे, तो ये 1.14 इस प्रकार से, ये इसका अगर हम लोग करते जाएंगे, इसका रूट ऑफ आर या वर्गमूल हम लोग करते जाएंगे, तो ये कभी समाप्त नहीं होगा और इसमें रिपीटिंग भी नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्या जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी ऐसा दशमलव निरूपण जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उसमें रिपीटिंग भी नहीं होता है। जैसे आप लोग एक चीज लिखिए, जैसे 1/3, 1/3 को अगर आप लोग इसका दशमलव निरूपण करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.3333 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। इसको आप कितना भी लंबा इसका विभाजन इसको करते रहिए, भाग करते रहिए, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा तीन 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 आते जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म होने वाला, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें तीन बार 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 आ रहा है, मतलब तीन का रिपीटिंग हो रहा है, मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें तीन का रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको इसीलिए हम लोग ये दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 0.01001001000001, इस प्रकार का, और ये जो तुम आप ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है,
ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये जो ये डॉट डॉट दिया हुआ माना है, ये जो दशमलव निरूपण है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग नहीं हो रहा। इसमें देखिए 01 फिर 001, अगर 01 01 01 01 00 01 इस प्रकार से होता तो इसको हम लोग रिपीटिंग कहते हैं, लेकिन क्या होता है 01 00 01 00 01 00 01 इस प्रकार से आ रहा, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। इसीलिए इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार की संख्या जो जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ये कौन सी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है उनका अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो उसमें जो हम लोग को दशमलव विस्तार मिलेगा या दशमलव निरूपण जो होगा उसको वो आपका अपरिमेय संख्या होगा या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग उसका दशमलव विस्तार होगा। जैसे √2 √3 √5 √6 √7 इस प्रकार की संख्याएं, ये 2 3 5 6 7 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो इसमें जो हम लोग को मिलेगा दशमलव विस्तार या दशमलव निरूपण वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, जिसके कारण उसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसके कारण ये सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। तो इसमें अब हम लोग आ गए, इसके पहले हम लोग जितनी भी संख्याएँ पढ़े चाहे वो प्राकृत संख्या हो चाहे वो पूर्ण संख्या हो चाहे पूर्णांक हो चाहे भिन्न संख्या हो, ये सभी संख्याओं को मिला करके संख्याओं का एक समूह या एक सेट बनता है जिसको कहा जाता है परिमेय संख्या। और एक दूसरा सेट जो है संख्याओं का समूह जिसको हम लोग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो होता है एक होता है अपरिमेय संख्या। ये दोनों संख्याओं का समूह को जब हम लोग मिला देते हैं तो वो होता है रियल नंबर्स। यानी इसको हम लोग आसानी से अगर याद रखना चाहते हैं तो इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या इसका मेन होता है दो भाग, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या जो है इसका बहुत सारे भाग है, इसका में ये बहुत सारे भाग होता है, जैसे आपका इसमें प्राकृत संख्या उसके बाद पूर्ण संख्या उसके बाद पूर्णांक उसके बाद भिन्न संख्या, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक और भिन्न संख्या ये सभी संख्याओं का जो समूह होता है ये होता है आपका परिमेय संख्या। और एक दूसरा संख्या जो है अपरिमेय संख्या, ये सभी का जो समुच्चय है ये सभी का जो परिवार है इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग ऐसी संख्या है जिसको हम लोग जिसका रियल में कुछ एग्जिस्ट होता है। आगे आप लोग और एक पढ़िएगा कि वास्तविक संख्या के साथ और एक होता है जिसको काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स जो है ये इसका कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज आप लोगों का रियल नंबर्स का या वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन या परिचय खत्म हुआ।